दोस्तों आज एक मेरे पास कमेंट आया था, वो भी YouTube पे आप भी देख सकते हैं उसको। उसने पूछा था कि बेसन के लड्डू का हम बिजनेस कैसे करें, या हमारी दुकान नहीं है, इसको कहां पर बेचा जाए। तो मैं पहले तो दिखाना चाहता हूं कि आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो बेसन के लड्डू के ऊपर है। इस तरीके से ये बॉक्स तैयार होता है बेसन के लड्डू का, आप देख सकते हैं इसको। ये बॉक्स है बेसन के लड्डू का, लेकिन आपकी दुकान नहीं है तो आप कैसे बेचेंगे इसको। तो आज सारी बातें इसी बारे में करूंगा दोस्तों कि बेसन के लड्डू कहां पर बेचा जाए, कैसे बेचा जाएगा, इसमें कितना प्रॉफिट होगा आपको। आज सारी बातें इसी बारे में करूंगा दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप फिर वीडियो की भावनाओं में खोने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार बेसन के लड्डू दिखाता हूँ। बेसन के लड्डू का बॉक्स एक ले लेते हैं पहले। दोस्तों ये देख रहे हैं आपके बेसन के लड्डू, आप बिना दुकान के कैसे बेचेंगे। ये बॉक्स मैंने अभी दिखाया था, वो आता था, ये बॉक्स खोल के दिखाता हूं मैं आपको। ये टेप लगा के इस तरीके से आप भी अपने बॉक्स तैयार कर सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर वजन आता है 2 किलो या 2.5 किलो, आप बॉक्स देख ले कितना बड़ा है, उसी तरीके से तैयार करा सकते हैं। ये अगर मार्केट के अंदर आप लेने जाते हैं रिटेल में तो 220 रुपए किलो, 240 रुपए किलो या 200 रुपए से कोई भी कम नहीं बेचता है। ये बेसन के लड्डू आपने घर पर तैयार किए, लेकिन आपकी दुकान नहीं है तो आप कैसे बेचेंगे इसको। ये बॉक्स आप इस तरीके के बॉक्स में निकाल कर, यानी 2.5 किलो का बॉक्स आपने कंप्लीट मार्केट से तैयार किया, नाली वाला बॉक्स है, ये आसानी से मिल जाता है आपको, जो कि 6 से 7 रुपए इसकी कीमत होती है। लड्डू घर पर बन गए, आपका कुछ भी रेट पड़ता हो, आप एवरेज निकालना अपना कि क्या रेट पड़ता है। जैसे 1 किलो बेसन लिया आपने, 1 किलो घी लिया, उसको अच्छी तरह भून लिया, 2 किलो उसके अंदर करारा पड़ जाता है, बूरा या करारा, यानी 4 किलो माल आपका तैयार हो गया। आपको रेट निकालना है कि ये हमारे को सारा मटेरियल कितने में तैयार मिला है और कितने का पड़ा था। उसके बाद आप कॉस्ट 1 किलो की निकाल सकते हैं कि 1 किलो लड्डू हमारे को कितने में तैयार होके मिल गए। लेकिन जो बेचते हैं, कई लोग ऐसा है कि इसका जो व्यापार कर रहे हैं, जैसे स्वीट्स वाले हैं, काफी दुकानें हैं जो बनाते नहीं है, कारीगर नहीं है उनके पास, भागे हुए हैं, तो इनको स्वीट्स वाले भी लेते हैं। डेयरी वालों पे भी आजकल मिठाइयां बिकने लग गई हैं, वो भी लेते हैं। कई भाई ऐसा है जनरल स्टोर पे जो पोर्ट बनते हैं, कांच के देखे होंगे आपने, 1-1 किलो का पोर्ट होता है, उनपे आप डिलीवरी देकर सप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद आपके पास इतनी सारी दुकानें हो जाएंगी कि आप ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएंगे। इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बिजनेस आइडिया। इस तरीके से बिजनेस करके आप केवल बेसन के लड्डू का और व्यापार कर सकते हैं, चाहे आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से बाहर रहते हैं, या कहीं भी रहते हो आप, वहां पर बनाकर आप आसानी से बेसन के लड्डू बेच सकते हैं। एक आइडिया और है कि गिफ्ट पैक में, जैसे कि ये बॉक्स रखे हुए हैं, इस तरीके से बॉक्स तैयार करें लड्डू के डब्बे का, इस पे स्टिकर लग जाएगा बेसन के लड्डू, यानी फैंसी बॉक्स आप मार्केट में निकालेंगे। आपने देखा होगा रसगुल्ले के डब्बे आते हैं, मिठाई के डब्बे आने लग गए, काजू कतली के डब्बे आते हैं। इस तरीके से आप भी ये बॉक्स तैयार कर सकते हैं। ये बॉक्सों में तैयार करके 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो में पैकिंग निकाल के हर दुकानदार को दे सकते हैं। ये बॉक्स है, हर कोई तैयार नहीं कर सकता इसमें लड्डू, कोई भी जल्दी से नहीं तैयार कर पाएगा। लेकिन आप ये होलसेल में बॉक्स कहां से उठाएंगे, जैसे कि हमारे किशन भाई है, किशन भाई जी एक बार आए, जो बॉक्स हमारे पास भी तैयार होते हैं। आज नहीं किशन भाई, हमारे को आप कब से बॉक्स दे रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए, 20 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं बॉक्स जो लेता हूँ नई नई डिजाइन के, जो बॉक्स नहीं आते मार्केट में वो किशन भाई के पास मिलते हैं। तो ये बॉक्स ऐसा है ना कि हर कोई इतना पैसा क्यों लगाएगा, यानी 10 बॉक्स की सेल कोई करता है, बेसन के लड्डू कोई बेचता है, डेयरी वाला, कचून वाला या हलवाई, कोई भी हो, स्वीट्स वाले, रेस्टोरेंट वाले, तो वो 10 डब्बे के लिए इतना भाग दौड़ नहीं करेंगे। आप इसका बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार में 200 बॉक्स उठाएंगे, 400 उठाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर कोई किशन भाई से बॉक्स लेता है, जैसे ये फैंसी बॉक्स है, ड्राई फ्रूट के बॉक्स आए हैं मार्केट में, ये बॉक्स मेरे को नहीं लगता कितनी जल्दी मिल जाएंगे आसानी से बॉक्स जो ड्राई फ्रूट के किशन भाई, लेकिन किशन भाई ने मुझे प्रोवाइड कराए, कैसे कराए ये इनकी हेडिंग है। मैंने ऑर्डर दे दिया कि मुझे फैंसी बॉक्स चाहिए, जो कि हमारी दिल्ली में या मार्केट में किसी के पास ना हो, किशन भाई ने हमें प्रोवाइड कराया, क्योंकि किशन भाई, लेकिन किशन भाई ये भी कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में कहीं आसपास की दुकानें हैं और वो भाई किशन भाई से लेना चाहते हैं तो किशन भाई दे सकते हैं हमको? बिल्कुल बिल्कुल देंगे जी, चाहे कितना ही बढ़िया बॉक्स मांगे भाई, है ना, एक से बढ़िया। और एक बढ़िया चीज किशन भाई के अंदर है, ईमानदारी है, रेट अच्छे हैं इनके, जो कि कहीं नहीं मिलते हैं। और आप दिल्ली में कहीं नजदीक रहते हैं तो विजिट भी कर लेंगे वहां पर जाके, जो लेना चाहते हैं। ये बॉक्स अंदर से खोल के, जैसे 5 लेयर्स का है,
आप इसको लड्डू के हिसाब से लाइनें लंबी खड़ी करवा के लगवाते हैं, फैंसी लगवाते हैं, इसके ऊपर बटर पेपर लगाए और अच्छी तरह से मार्केट में बेचेंगे तो आप दुकान नहीं करेंगे उसके बाद भी एक बिजनेस कर सकते हैं इसका, जिसको होलसेल का बिजनेस कहते हैं। दुकानों पे जाके मार्केट में सप्लाई करके अपने लड़के लगाते हैं 8-10 किलो किशन भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। लड़के लगाकर आप और भी ज्यादा काम बढ़ा सकते हैं। अकेले आप बेच रहे हो, 10 लड़के हर मार्केट के अंदर अलग अलग एरियाओं में भेज के आप उनको माल बेच। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्त ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भाई बिजनेस करना चाहते हैं या नॉलेज नहीं है या आइडिया नहीं है, कई भाइयों पे ऐसा है ना कम पैसों में बिजनेस करते हैं जो भाई, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।